नागपुर ट्रक यूनिटी के साथ में ग्रामीण आरटीओ में पहुंचे अपने साथियों को लेके। पिछले 3 महीने से जो नवी गाड़ियों का आरएमए नहीं हो रहा था, फिटनेस नहीं हो रही थी, परमिट नहीं डल रहे थे और भी कई तरीकों की परेशानियों का सामना कर रहे थे ट्रक वाले, नवी गाड़ियां भी नहीं पास हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा 3 महीने से ठप पड़ा है। पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय। अगर ट्रक चलते हैं तो ट्रक ड्राइवर कनेक्टर से लेकर फैक्ट्री वाले से आरटीओ ढाबे वाला सबको पेट पलता है। पिछले 3 महीने से हमारा ट्रकों का पूरा चक्का जाम पड़ा है। हमारे को आरटीओ ने भी आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम आपकी पूरी मांगे जो भी है लीगल तरीके से पूरी करेंगे। अगर ये हमारी मांगे और हमारे काम सोमवार तक व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन होगा, नागपुर से लेके पूरे बॉर्डरों का घेराव किया जाएगा और पूरे बॉर्डरों पे चक्का जाम किया जाएगा। ये आरटीओ अपने जो ड्राइवर लोग काम करने आते हैं, गाड़ी का काम करने आते हैं या कि दलाल ऑफिसर कैसे करते हैं सर? उनको जो ड्राइवर आदमी है उसको इतना हरासमेंट किया जाता है कि ड्राइवर की जैसे कोई औकात ही नहीं, जबकि ड्राइवर हमारा जैसे फौज के अंदर सैनिक होता है तो ड्राइवर भी एक हमारे भारत देश का सैनिक है, माल इधर से उधर ले जाता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, अगर ड्राइवर ना होते तो पूरे देश के अंदर पूरा सबको पूरा व्यवसाय ठप पड़ गया था। यहाँ से लेके वहाँ तक अनाज, गैस, दूध सबकी पूर्ति ड्राइवर ने ही की है और ड्राइवर को उतना बनता मान सम्मान नहीं देते हैं ये लोग। ठीक, आपका नाम? गुरविंदर सिंह ढिल्लन, कुक्कू भैया के साथ में वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागपुर ट्रक यूनिटी। सब भाई है भाई। भैया हम आरटीओ में हमारे पूरे यूनियन वाले आए हुए हैं, नागपुर ट्रक यूनिटी अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में मेरे पूरे भाई है और हम सब आए आरटीओ के पास में। 3 महीने से हमको बहुत परेशानी चल रही थी, ना गाड़ी की फिटनेस हो रही थी, ना गाड़ी ट्रांसफर कर रहे थे, ना गाड़ी की एनओसी दे रहे थे, ना गाड़ी का आराम हो रहा था। हम उनके पास में 3-4 बार आए, ये सुन रहे नहीं थे। आज हमारी पूरी यूनियन यहाँ पे आई, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जो भी आपका काम है हम काम करेंगे और उन्होंने 2-4 दिन का टाइम दिया है। तो क्या नाम है उनका? काठोड़े साहब ने हमारे को बोला है कि भाई आप बिल्कुल शांत रहो, मैं आया हूँ और मेरे को महीना हुआ अभी आए को यहाँ पर, मैं पूरा समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी काम है मैं आपका काम करके दूंगा। और जो है कि नागपुर के अंदर में ड्राइवर लोगों को जो परेशान करते बॉर्डर में, ड्राइवरों को जो परेशान करते हैं, अब सावनेर बॉर्डर हो गया, देवरी बॉर्डर हो गया, कांदरी बॉर्डर हो गया, पांडरकोला बॉर्डर हो गया, जो भी बॉर्डरों पे हमारे ट्रक गाड़ियां जाती है भाइयों की या कोई भी, हर स्टेट से गाड़ियां आती है, हर गाड़ी से 500-1000 रुपए लिया जाता है रोज का। कम से कम एक बॉर्डर से इनको 1 से 1.5 करोड़ रुपए आता है, 4 बॉर्डर है। उसके ऊपर में नागपुर के अंदर में जो रेती की गाड़ियां चलती है इनसे हर गाड़ी से 11,000 रुपया लिया जाता है महीने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि ओवर रोड गाड़ी कोई भी नहीं चलने देना चाहिए। ऐसे 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट, उल्टा सुप्रीम कोर्ट का ये पालन ना करते हुए उल्टा इन्होंने और रिश्वत बढ़ा दी है। जो पहले 2000 चलती थी अभी 11000 हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डर बताते हैं। जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं नागपुर के अंदर में, जो 1 टन की है, 1.25 टन की है, अगर उसके अंदर में 100-200 के जो ज्यादा हो जाता है उनसे गाड़ी वालों से 25,000-24,000 का फाइन लेते हैं और उसके बाद में वो गाड़ी वालों को महीना बांधते हैं। तो एक गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसका 2000 का चक्कर नहीं रहता, उससे 5,000-6,000 रुपए महीना एक गाड़ी से लेते, इनको महीने का 8 से 10 करोड़ रुपए आता है। तो रहे हैं 8 से 10 करोड़ रुपए इनको महीने का आता है। और मेरा ये कहना है कि इनके सीबीआई, ईडी, इनके ऊपर में रेड जो रिटायर हो गए हैं ऑफिसर उनके ऊपर भी होना चाहिए, इनके ऊपर भी होना चाहिए। एक आरटीओ इंस्पेक्टर महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमाता है, जो कि कोई भी नहीं कमा सकता। हमारा ट्रेड एक ऐसा है कि एडवांस में टैक्स भर के गाड़ियां चलाता है और जो टैक्स भरते हैं उसकी वजह से ये पूरा देश चल रहा है। और ये जो देश चल रहा है और जो जो हमारी ट्रक लाइन है, ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये टूट गई तो पूरा देश थम जाएगा। ये समझने में नहीं आ रहा है इनको और इनको बार बार हम समझा रहे हैं। अगर हमारे ट्रक आरटीओ में आते हैं तो आरटीओ चलता है, अगर ट्रक नहीं आएंगे तो आरटीओ कहां से चलेगा? ये समस्याओं को लेके अभी यहां, अभी ये समस्याओं को लेके हम मेन आरटीओ साहब, क्या आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया आपको, उन्होंने बोला है कि आपको जो भी परेशानी है उसका, परेशानी का जो भी आप सामना कर रहे हो मेरे को समझने को टाइम लगेगा, मैं समझ लेता हूँ, समझने के बाद में जो भी है मैं उसके बारे में करता हूँ और 2-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर ये हमारे को इन्होंने आश्वासन दिया, अगर काम नहीं हुआ तो हम इसका आंदोलन आरटीओ को घेर लेंगे, से तीनों आरटीओ घेर लेंगे शहर के। और इनकी सीबीआई, ईडी, इनकी सीआईडी जांच कराना चाहिए इनको। ये बोलते हैं कि हमारा पैसा ऊपर मिनिस्टरों तक जाता है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इनकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, एक आरटीओ 8 दिन ड्यूटी करता है बॉर्डर के ऊपर में, सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की है, 8-8 दिन करते हैं और 5 लाख रुपए बॉर्डर पे ड्यूटी पे एक इंस्पेक्टर देके जाता है कि जो 8 दिन के अंदर में 25 से 30 लाख रुपए कमा के लाता है एक आरटीओ। तो मेरा कहना ये है कि इनके लिए इनका काम कैसा है कि 10 बजे ऑफिस में आना चाहिए, 8 बजे जाना चाहिए,
कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, छुट्टी पे है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट वाले जो गाड़ी लेके आते हैं यहाँ कैसे काम होता है? यहाँ काम बराबर से काम नहीं हो रहा, यहाँ काम बराबर होता नहीं है। कोई भी काम लेके आते, नमी भी गाड़ी लेके आएंगे तो ये कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के 10,000 रुपए की मांग होती नहीं। इनका पैसा खाने का मुद्दा है, ये पैसा खाने का चक्कर है। और ये एक एक गाड़ी से भी 2-2, 4-4 हजार भी लिए तो यहाँ भी बैठता है, जो अंदर आदमी बैठता है रोज का 1-1.5 लाख रुपए लेके जाता है। और एक अभी इसके पहले सड़क साफ थे, वो तो कुछ देखते नहीं थे, गाड़ी का चेचिस नंबर है कि इंजन नंबर है, बराबर है कि नहीं, कुछ क्या हो गया, तो वो तो 50,000 लिए, 70,000 रुपए लिए, साइन मारे, प्रॉब्लम वहीं से आया। इनके 9 अधिकार अभी सस्पेंड हुए आरटीओ के, वो होने की वजह से अभी ये काम करने को डर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने गलत पैसे लेके गलत काम किए हुए हैं। जो गाड़ी गलत है काहे के लिए, हमने तो एक ही बात बोला, लीगल काम है करो, अनलीगल काम करना नहीं, अनलीगल काम का हम साथ देंगे नहीं। स्टैंप पेपर लाओ, उस पर मैं साइन मारता हूँ, अगर कुछ भी कोई करेगा 420 मेरे पे लगा के मेरे को अंदर करा देना। अरे अनलीगल काम मत करो, लीगल काम करो, ये लीगल करने को भी तैयार नहीं है। मेरा यही कहना है, ट्रांसपोर्ट एकता।